हाय एवरीवन दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन एमसीक्यूज ऑफ राजस्थानी स्कूल फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ नॉलेज बेस्ड और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हमने कुछ कवर कर लिए थे और इसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन पर अब आप सबसे पहले समझें कि एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन सो एजर्शन का मतलब होता है कि दावा मतलब दावे से की गई कोई बात और रीज़न होता है उसका कारण सो देर आर टू स्टेटमेंट मार्क टेज अजर्शन एंड रीजन मार्क योर आंसर पर द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो अब यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दी गई हैं जिसके बेसिस पे आपने वो स्टेटमेंट्स या अजर्शन और रीजन को जज करना है ऑप्शन ये दी गई होंगी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लनेशन ऑफ ए मतलब अजर्शन और उसका रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीज़न बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है अजर्शन की सेकेंड ऑप्शन रहेगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए मतलब अजर्शन और रीज़न सही हैं अपनी जगह बट आर जो है रीजन जो है वो अजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है थर्ड ऑप्शन है ए इज़ ट्रू R is false and as fourth option is assertion is false but reason is true. So इस basis पे हम अगले कुछ questions solve करने की कोशिश करते हैं So my first question is the Rajasthani painting was burnished with an agat. Agat मतलब ये question आपको उसमें भी आया था sample paper में और उसका reason इन्होंने ये दिया है कि agat was used to lend a uniform sheen for appealing resplendence. तो burnishing की जाती थी राजस्थानी मिनिएचर्स की इवन हर मिनिएचर स्कूल में बर्निशिंग ये प्रोसेस था उनका और आगेट इज अ स्टोन इट्स अ जेम स्टोन जिसकी घिसाई करके उसमें वो शाइन लाई जाती थी और आप देखें सेकेंड लाइन में उन्होंने लिखा है कि टू यूनिफॉर्म शीन शीन होता है चमक लाने के लिए और वो जो ब्राइटली शाइन करती थी ना पेंटिंग्स वो इसी वजह से करती थी सो द आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राजस्थानी पेंटिंग्स व पेंटिंग ऑन वासलीस अब ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका सैम्पल पेपर में था बट वहां पर मुझे लगता है कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ इस तरह से था तो वहां पर यह बोर्ड था वाशीज वाशिस जो होता है वो कलर के वॉशिज के लिए यूज किया जाता है बट राजस्थानी पेंटिंग व पेंटिंग ऑन वासलीस एंड वासलीस वर यूज टू गेट द डिजायर थिकनेस एक तरह का हैंडमेड पेपर है जो लेयर्ड पेपर होता था जो मिनिएचर्स के लिए यूज़ किया जाता था और उसको वो लोग तो, मतलब दो तीन लेयर्स भी इकट्ठे लगा के एक डिज़ायर्ड थिकनेस जिनकी उनको चाहिए होती थी तो उसके साथ वो यूज़ किया जाता था सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग पेंटेड बाय नूरुद्दीन रीजन इज सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग इज बीकानेर अब इस क्वेश्चन में देखें कृष्णा ऑन स्विंग नूरुद्दीन की बनी हुई पेंटिंग है एग्जैक्टली ट्रू स्टेटमेंट सब स्कूल ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग इज बीकानेर ये भी अपनी जगह से ही है बट क्या इसका कनेक्शन आपको दिख रहा है जो बोला गया है कि कृष्णा ऑन स्विंग पेंटेड बाय नूरुद्दीन बट नूरुद्दीन के बारे में स्टेटमेंट होती तो ये आंसर सही होता लेकिन हम इसमें ये कहेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाज़ वॉज द लवर ऑफ राजा सावंत सिंह इट्स एन एजर्शन एंड रीजन इज द राजा सावंत सिंह मेड पेंटिंग बनीठनी अब इसमें है यस yes, ये आपने बुक्स में भी पढ़ा है कि बनी ठनी जो थी वो राजा 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 सावंत सिंह की लवर थी बट राजा सावंत सिंह ने ये पेंटिंग नहीं बनाई है उन्होंने बनवाई थी ये पेंटिंग सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग आर नोन फॉर देयर इंट्रीग्रेट ब्रश वर्क एंड रीजन इज मोस्टली ब्लैक एंड वाइट कलर पेंटिंग्स हैव बीन मेड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर इंट्रिकेट क्योंकि बहुत बारीकी वाला काम हुआ है बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स में ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं सो द करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू आर इज फॉल्स नेक्स्ट इज द मेजर थीम ऑफ नाथ द्वारा पेंटिंग्स आर लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्ण रीजन इज नाथ द्वारा पीपल बिलोंग्स टू वैष्णव कल्ट अब नाथ द्वारा पेंटिंग्स जो हैं उनमें जो थीम यूज़ किया गया है वो है राधा एंड कृष्ण एंड इसका ये करेक्ट रीज़न है क्योंकि वो लोग वैष्णव कल्ट को मानते थे वो लोग विष्णु को मानते थे इसलिए उनकी पेंटिंग्स में ये ज़्यादा दिखता है सो द आंसर आंसर इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थानी पेंटिंग्स वर नोन एज राजपूत पेंटिंग इट्स एन एनजर्शन कि राजस्थानी पेंटिंग को राजपूत पेंटिंग भी कहा जाता है एंड राजपूत राजाज वर द चीफ पेट्रन्स ऑफ दिस स्कूल बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्योंकि राजपूत राजाओं ने ही इसको संरक्षण दिया था और उनके अंडर ही ये पेंटिंग्स डेवलप हुई थी नेक्स्ट इज द राजा सावंत सिंह राइट्स अबाउट हर इन अ पोएम विच बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर निहाल चंद पेंटिंग्स ऑफ बनीठनी दस रिप्रेजेंटिंग अ ब्लैंड ऑफ पोएट्री एंड पेंटिंग राजा सावंत सिंह ने इनके बारे में अपनी एक कविता में लिखा जो कि निहाल चंद की पेंटिंग बनीठनी बनने के लिए एक इंस्पिरेशन बना और वो इंस्पिरेशन ऐसा था जिसने एक ब्लैंड दिया पोएट्री एंड पेंटिंग का रीजन इज लव वॉज सो डीप दैट राजा सावंत सिंह स्टार्टड वर्शिपिंग हर एज राधा कि राजा सावंत सिंह बनी ठनी को इतना प्यार करते थे कि उनको एक राधा की तरह वो पूजना शुरू हो गए थे सो बोथ ए एंड एंड आर 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 ट्रू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीकानेर वॉज फाउंडेड बाय प्रिंस राव बीका इन 1488. एटी एट बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग बिकॉज देयर आर फाइनर लाइन एंड मोर रिजर्व रेंज ऑफ कलर्स बीकानेर को इन्होंने ही आ, मतलब इस्टेब्लिश किया था और बीकानेर स्टाइल में ये सब था क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि लाइंस बहुत अच्छे से लगाई हैं बट कलर्स की रेंज कम है अगर हम इन पेंटिंग्स में देखें तो उतने ज़्यादा कलर्स नहीं लगाए गए हैं सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट ये जो एजर्शन है इसका रीजन ये नहीं है सो so, इसमें हम लिखेंगे ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज मिनिएचर पेंटिंग्स रेफर टू अब ये भी स्टेटमेंट्स हैं इन स्टेटमेंट्स में से आप इनको भी अच्छे से पढ़ें तो आपकी अजर्शन स्टेटमेंट ये सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं वॉट डज मिनीचर पेंटिंग्स रेफर टू बिग पेंटिंग्स यूजिंग थिक ब्रशेज स्मॉल इंट्रीकेट पेंटिंग्स यूजिंग फाइन ब्रशेज मोस्टली डन यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन ब्रशेज टू क्रिएट स्मॉल साइज पेंटिंग्स और पेंटिंग्स मोस्टली डन ऑन वॉल सो हमने पढ़ा है इट्स अ इंट्रीकेट ब्रश वर्क कि बहुत फाइन काम था ये और सो द करेक्ट आंसर

किशनगढ़ इस पेंटिंग के नाम से जाना जाता है मतलब बहुत फेमस है वो पेंटिंग किशनगढ़ की और ये किसके था राजा सावंत सिंह के अंडर वो बनी थी जिनको नागरीदास भी बोला गया है और उन्हीं के इंस्पिरेशन से या उन्हीं के आप कह लें कि वही एक कारण थे इस पेंटिंग के पीछे बनवाने के सो वो पेंटिंग कौन सी थी वो पेंटिंग थी राधा बनी ठनी नेक्स्ट इज द

और uh, मतलब उन उनसे रिलेटेड सीन्स बने हैं एंड सेकंड स्टेटमेंट इज बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज करैक्टराइज बाय फॉन्डनेस ऑफ लश वेजिटेशन मतलब बहुत फ्लोरा एंड फोना बना है ड्रामेटिक नाइट स्काइज ड्रामेटिक नाइट स्काइज का मतलब है कि जैसे रात की चांदनी जो uh, चांद की दिखाई गई है हल्की सी सफ़ेद हल्की सी लाइट यू नो पेल येलो काइंड और उसके अगेंस्ट जो उन्होंने फिगर्स बनाई हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं अ डिस्टिंगटिव वे ऑफ डिपिक्टिंग वाटर बाय लाइट्स वर्ल्स छोटी छोटी लाइन्स के थ्रू अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड एंड विविड मूवमेंट अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं इनमें से वो पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द बूंदी स्टाइल ऑफ पेंटिंग अब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बूंदी स्कूल की हैं जब आपने सब स्कूल्स पढ़ा है तो उसमें आपने थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पढ़ने हैं तभी आप एज अर्शन रीजन वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे सो so द उसका आंसर था सी नाउ द डैश स्कूल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड एंड इट्स फॉर्मल Former capital Amir, which is located nearest the Mughal capital, Jaipur, Bikaner, Jodhpur, or Bundi. The correct answer is Jaipur. The place where painting were made and stored in Jaipur was called Mandi. मरम्मत खाना सूरत खाना वासली घर अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वासली भी हमारे सिलेबस में नहीं था बट क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया है सो so, सिर्फ उसके लिए कि आप थोड़ा बहुत उनकी टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ जाए तो इसलिए मैंने ये तीन चार क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं दो दीज आर नॉट इन द सिलेबस बट वही है क्योंकि सैम्पल पेपर में मुझे दिखे तो इसलिए मैंने उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इसमें रखे हैं सो द प्लेस वेयर पेंटिंग वॉज मेड एंड स्टोर्ड इन जयपुर वॉज कॉल्ड सूरत खाना फॉर विच ऑफ द ऑप्शन डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू किसके लिए यह स्टेटमेंट सही बैठेगी द डिपिक्शन ऑफ नेचर इज सिंपली ऑर्नामेंटल इन राजस्थानी मिनियचर्स नेचर के बारे में पूछा गया है और ऑर्नामेंटल नेचर मारूरागनी डेजर्ट की पेंटिंग है चौगन प्लेयर फ्लैट पेंटिंग है बैकग्राउंड इज फ्लैट राधा बनी ठनी अगेन अ पोर्ट्रेट फ्लैट बैकग्राउंड नाउ द कृष्णा ऑन स्विंग जिसको टू पार्ट में बनाया गया है और यहां पर आपको ऑर्नामेंटल काम नेचर का दिखता है इस पेंटिंग में नेक्स्ट इज द डिस्टिंगटिव स्टाइल विदरल टेडेंसी टू इलांगेटेड द ह्यूमन फॉर्म इज अ पार्ट ऑफ डैश सब स्कूल ऑफ पेंटिंग ये भी आपने पढ़ा है कि uh, किशनगढ़ स्कूल में बाकी स्कूल्स के कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी फॉर्म्स बनी है, लंबी आकृतियाँ बनी हैं जो बनी ठनी आपने देखी है आप उसकी भी देखें गर्दन लंबी उंगलियाँ लंबी सो so उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सो द करेक्ट आंसर इज किशनगढ़ आंसर बी अकाउंट्स एंड न्यूमरस इंस्क्रिप्शन ऑन डैश पेंटिंग्स मेक मेक इट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड स्कूल ऑफ पेंटिंग अब इसका करेक्ट आंसर इज़ बीकानेर Next is the, the Prakrit style of painting Naik Naika Naika Bheda developed in the form of Rajasthani painting. Matab, Naika Bheda पेंटिंग्स जो हैं वो राजस्थानी स्कूल में बनी हैं कृष्ण लीला एंड रागमाला आर एसोसिएटेड विद द राजस्थानी पेंटिंग सो so, हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं उसमें आपका ना एक पॉइंट आता है डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर आपने पढ़ा है कि नायका भेदा भी बने हैं रागमाला भी बनी है कृष्ण लीला भी बनी है सो so, इसमें बोथ ए एंड वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि ये तीनों थीम्स वहाँ पर बने हैं नेक्स्ट इज अ चौगन प्लेयर इज अ हॉरिजोंटल पेंटिंग डिपिक्टिंग पोलो गेम इट वॉज मेड ऑन एक्रिलिक मीडियम सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू दैट चौगन प्लेयर इज अ हॉरिजोंटल पेंटिंग जिसमें पोलो गेम दिखाई गई है बट एक्रिलिक में तो कोई भी अब मिनिएचर नहीं बना है वो तो टेम्प्रो ऑन पेपर है सो द आंसर इज ए ओनली वन इज करेक्ट नेक्स्ट इज द ऑन विच राजस्थानी में नियचर पेंटिंग इंडियन गवर्नमेंट इशूड अ पोस्टल स्टैम्प अब ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि हर बच्चे को आता ही होगा क्योंकि बड़े क्लियरली और शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घूम फिर आके आया है सो so, राधा बनीठनी एक ऐसी पेंटिंग है किशनगढ़ की जो इतना वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टल स्टैम्प इशू किया है सो द करेक्ट आंसर इज राधा बनी ठनी मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट हु वॉज बनीठनी अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें कि जो सही स्टेटमेंट है उसको आपने टिक करना है बनी ठनी कौन थी लवर ऑफ राजा सावंत सिंह अटेंडेंट टू तो स्टेप मदर ऑफ सावंत सिंह तो इनमें से ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं वो लवर भी थी राजा सावंत सिंह की और वो अटेंडेंट भी थी सावंत सिंह के स्टेप मदर की ठीक है सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट वॉट इज द अदर नेम ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है वो है राजपूत पेंटिंग्स सो करेक्ट आंसर इज राजपूत क्योंकि ये राजपूत राजाओं के अंडर पनपी थी इसलिए इसको राजपूत पेंटिंग कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजन्स दैट इम्प्लाई टूवर्ड्स द पॉपुलरिटी ऑफ राम एंड कृष्णा थीम्स इन मिनिएचर मतलब इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिस वजह से ये इतना आ, आप कह लें कि भक्ति के ऊपर काम हुआ है या राम और कृष्ण के ऊपर इतना मिनिएचर्स बने हैं कौन कौन से रीजन्स हैं भक्ति मूवमेंट एंड वैश्नविज्म कि बहुत ही मतलब भक्ति थी उन लोगों में इतना लिटरेरी टेक्स्ट बेस्ड ऑन देयर लाइफ्स कि जो लिटरेचर बना है जैसे भगवत पुराण और ये सब बना है क्या उसके बेसिस पे बना है तीसरा है रिलीजियस रिफॉर्म्स मतलब धार्मिक सुधार भी उस टाइम पे बहुत हुए या नए नए उस तरह से बने तो क्या ये रीज़न रहा या फिर ये रीज़न था कि रूलर्स फोर्स्ड पीपल टू वर्शिप देम अब इन चारों में से उन्होंने क्या पूछा है या तो सारे ही हैं या ऑप्शन दे रखी है बी सी डी ए बी सी ए बी डी ठीक है जी सो द करेक्ट आंसर इज ए बी सी क्योंकि रूलर्स ने कभी भी फोर्स नहीं किया रूलर्स तो खुद वो वैष्णव कल्ट के फॉलोअर्स थे और ऐसा भी कुछ नहीं था कि उन्होंने ज़बरदस्ती ये चीज़ें बनवाई हैं तो भक्ति मूवमेंट थी उस वक्त लिटरेचर भी था खैर थीम्स ही ये थे ना उस वक़्त पेंटिंग के बनाया ही इन सब पे जा रहा था ये सब ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फिफ्थ इन बीकानेर इन बीकानेर स्टूडियोज कॉल्ड डैश वर सेटअप वेर अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ द मास्टर आर्टिस्ट अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टू मिनीचर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला है कि मीएचर पेंटिंग ग्रुप में भी करी जाती थी एक मास्टर आर्टिस्ट होता था जिसके अंडर कुछ आर्टिस्ट काम करते थे और ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जहाँ काम कर रहे हैं उन स्टूडियोज को क्या कहा जाता था उन स्टूडियोज़ को मंडी कहा जाता था बीकानेर स्कूल में सो द करेक्ट आंसर इज मंडी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट काइंड ऑफ ब्रशेज वर मोस्टली यूज फॉर राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग थिक ब्रशेज थिन एंड फाइन ब्रशेज कॉम्बिनेशन ऑफ थिक्ड थिन ब्रशेज और द बेम्बूस्टिक्स दो करेक्ट आंसर इज थिन एंड फाइन ब्रशेज और यह भी वहां मैंने मैंशन किया हुआ है कि मोस्टली स्क्वायर या कैमल हेयर के ब्रशेज ये लोग यूज करते थे इन एडिशन टू प्लाट सोर्सेज राजस्थानी मीएचर पेंटिंग यूज कलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्राम प्लांट सोर्सेज मतलब वेजिटेबल कलर्स के अलावा नेचुरल कलर्स के अलावा राजस्थानी मिनिएचर में और किस तरह के रंग यूज किए गए हैं मिनरल्स ऑयल्स फूड आइटम्स या प्लांट्स तो मिनरल कलर्स आर ऑल्सो देयर सो द करेक्ट आंसर इज मिनरल अंडर हुस पेट्रेज किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड किस राजा के अंडर किशनगढ़ स्कूल बहुत अच्छे से पनपा राजा किशन सिंह राजा सावंत सिंह उदय सिंह और राज सिंह सो द करेक्ट आंसर इज राजा सावंत सिंह नेम द सब स्कूल वे फर्स्ट फॉर्म ऑफ राजस्थानी आर्ट फ्लारिश ये मेवाड़ स्कूल था जहाँ पे सबसे पहले ये फ्लरिश हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द मेन थीम्स डिपिक्टेड इन राजस्थानी मीनिएचर पेंटिंग्स ज्यादातर किस थीम पे काम हुआ है सीन्स फ्राम सोशल लाइफ सीन्स फ्राम डेली रूटीन इमेज ऑफ डेटीज और सीन्स फ्राम द स्क्रिप्चर्स मेनली रामायणा एंड भगवत पुराना सोशल लाइफ इतना नहीं बना है डेली लाइफ भी नहीं बना है हमें नहीं दिखता है ना हमने इतनी पेंटिंग्स में पढ़ा ना कहीं करेक्टरिस्टिक्स में सुना सो इमेजेस ऑफ़ डेट इज़ भगवान के ऊपर बहुत पेंटिंग्स बनी हैं इमेज ऑफ इमेजेस ऑफ़ डेट इज़ एंड सीन्स फ्राम द स्क्रिप्चर्स इन दोनों में अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हों तो हमारे वहाँ पे सीन्स बने हैं जो रामायणा महाभारत की कहानियाँ हैं उनकी इलास्ट्रेशंस हैं ठीक है सो करेक्ट आंसर इज डी द सीन्स फ्राम द स्क्रिप्चर्स मेनली रामायणा एंड भगवत पुराना नेक्स्ट क्वेश्चन इन एडिशन टू नेचुरल कलर्स राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग ऑल्सो यूज एक्रेलिक ऑयल गोल्ड एंड सिल्वर और पोस्टर एक्रेलिक भी नहीं यूज़ हुआ ऑयल भी नहीं यूज हुए पोस्टर कलर्स भी नहीं यूज हुए सो गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स का उन मिनीचर में यूज किया गया है हाउ इज़ रेड कलर प्रिपेयर फॉर राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग लाल रंग जो मिनिएचर में यूज किया जाता था वो कैसे बनाया जाता था वॉज इट एक्सट्रैक्टेड फ्राम द ड्राइड फ्रूट ऑफ पीपल ट्री और इट्स अ सल्फर और जिंक ऑक्साइड और रेड फ्लावर्स सो इट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट ऑफ पीपल ट्री द करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट देर आर फ्यू स्टेटमेंट जो मैंने रखी हैं ट्रू और फॉल्स में आप इनको लर्न कर लीजिएगा कि रस मंजरी किसने बनाई भानुदत्त ने uh, भानुदत्त कंपोज्ड रस रसमंजरी इट्स ट्रू केशव दास कम्पोस्ट रसिक प्रिया इट्स ट्रू केशव दास डाउन द पोएटिक वर्क ऑफ कवि प्रिया येस yes. सो so, कवि प्रिया रसिक प्रिया केशव दास की बनी हुई है और रसमंजरी मंजरी भानुदत्त की लिखी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी आर्टिस्ट यूज ब्राइट ग्लोइंग कलर्स विद फ्लैट बैकग्राउंड्स किस पेंटिंग में ग्लोइंग कलर्स हैं बट बैकग्राउंड फ्लैट है रागिनी चौगन कृष्णान स्विंग और भरतमीट रामायण चित्रकूटा तो ये पेंटिंग्स की फोटोज आप अच्छे से देख लेना आपको क्लियरली दिख जाएगा कि चौगन प्लेयर की बैकग्राउंड फ्लैट है सो द करेक्ट आंसर इज बी हु कॉइंड द टर्म राजपूत पेंटिंग्स टू रेफर टू द राजस्थानी मिनिएचर अब ये जो राजपूत पेंटिंग का नाम है ये किसने दिया था सबसे पहले तो ये भी जब मैंने राजस्थानी का ओरिजिन अपना वीडियो लेक्चर दिया है उसमें मैंने ये बोला है कि अनंत कुमार स्वामी ने सबसे पहले ये टर्म लेके आए थे राजपूत मिनिएचर सो द करेक्ट आंसर इज अनंत कुमार स्वामी वॉट आर वासलीस वासली क्या है अभी जो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़ा भी जो आपके सैम्पल पेपर में भी आया है तो इट्स अ लेयर्ड थिन शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर हैंडमेड पेपर की ही एक तरह के हम लेयरिंग की जाती है शीट्स की तो ये उसको कहा जाता है नेक्स्ट इज द विच आर द मेन सेंटर्स ऑफ पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग अब देयर इज अज रिटर्न इन योर सिलेबस ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पाल जैन एंड सेंट्रल इंडियन स्कूल सो आई हैव टेकन थ्री फोर क्वेश्चन फ्राम दैट पीरियड ऑल्सो सो दैट बाई चांस अगर कहीं से आ जाता है तो आपको वो दो तीन क्वेश्चन पता हों सो विच आर द मेन सेंटर्स ऑफ पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग वॉज इट नालंदा एंड विक्रमशिला और गुजरात और मालवा और जोधपुर पाल जो है वो नालंदा और विक्रमशिला के ये मेन सेंटर्स पाल स्कूल के थे सो द करेक्ट आंसर इज ए नेम द टेक्निक यूज आफ्टर कलरिंग इन विच स्टोन इज रब्ड एंड द बैक ऑफ द पेंटिंग फॉर स्मूथ शाइन एंड ब्लैंडिंग ऑफ ऑल लेयर्स ये तो वही टेक्निक है जो राजस्थानी या कोई भी मिनिएचर पेंटिंग को बर्निश किया जाता था ना उसी को कहते हैं कि उससे घिसाई करना सो so दैट उसमें वो शाइन आ सके सो द करेक्ट आंसर इज बर्निशिंग सी द स्टाइल ऑफ डैश मेन्यूस्क्रिप्ट इलास्ट्रेशन वॉज विग्रसली डिस्टॉर्टेड किस आ, मतलब आ, पेंटिंग में किन किस स्टाइल की पेंटिंग में ऐसा डिस्टॉर्शन था लाइन में सेंट्रल जैन पाल और ईस्टर्न ये हमने पढ़ा है जैन स्कूल जो था उसमें इस तरह का काम था नेक्स्ट इज द वॉट इज द बेस मटीरियल ऑफ द मेन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग फाउंड इन पाल एंड वेस्टर्न मतलब किसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी ये हमने पढ़ा है कि पाम लीव्स पर उस वक्त पेंटिंग्स बनाई जाती थी सो द करेक्ट आंसर इज पाम लीव विच स्कूल हैज द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फादर आई प्रोट्यूडिंग इन द ह्यूमन फिगर मतलब किस स्कूल में Uh, आँख थोड़ी सी बाहर को निकली हुई बनाई जाती थी जो जैसे एक चश्मा सवा चश्मा फेसेस हैं बट वो चीक से बाहर निकली हुई आँख बनाई जाती थी अगर आपने पढ़ा हो या टीचर्स ने जब आपको जैन uh, स्कूल के बारे में थोड़ा पढ़ाया होगा तो उन्होंने ये फीचर वहाँ मेंशन किया होगा तो इसका करेक्ट आंसर इज जैन स्कूल विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडियन स्कूल कहाँ ज्यादा पनपा तो वो था गुजरात उसका सेंटर ज्यादा उस तरफ इस तरह की पेंटिंग ज्यादा बनाई जाती थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाम लीफ मेनुस्क्रिप्ट फ्रॉम पाल स्कूला दैट मीन्स अ परफेक्शन ऑफ विजडम रिटन इन एट थाउजेंड लाइन्स इट चौरा पंचिका लॉर चंदा अष्ट सहर्षिका प्रचना परमिता और सनग्रहणी सूत्रा द करेक्ट आंसर इज अष्ट सहस्री प्रजना परमिता ये प्रजना परमिता वर्ड भी आपने इनमें सुना होगा क्योंकि ज़्यादातर पेंटिंग्स पाल स्कूल में इसी के ऊपर बनाई गई हैं विच टू रिलीजन वर पाल स्कूल एंड वेस्टर्न स्कूल वर बेस्ड ऑन सो ये क्लियर कट आंसर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म क्योंकि पाल स्कूल बुद्धिज्म पर बेस्ड था और जैन में जैनिज्म था वेस्टर्न इंडियन स्कूल ये इसका मिक्सचर था कल्प कल्पसूत्रा एंड कालकाचर्य कथा आर द पेंटेड मेन्यूस्क्रिप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल सो द करेक्ट आंसर इज जैन स्कूल ये जैन रिलीजन से रिलेटेड टेक्स्ट हैं वट वर द थीम ऑफ राजस्थानी मिनिएचर वॉज इट रिलीजियस हिस्टोरिकल रागमाला और ऑल ऑफ अबव तो ऑल ऑफ अबव रिलीजियस भी बनी है हमने पढ़ा है हिस्टोरिकल भी बनी है और रागमाला पर भी बनी है वट वॉज द अटायर ऑफ वुमेन एट दैट टाइम लहंगा धोती विद अंग रखा लहंगा चुन्नी टर्बन सो हमने पढ़ा है लहंगा चोली विद ट्रांसपेरेंट चुन्नी सो द करेक्ट आंसर इज डी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पिचवई पिचवई पेंटिंग का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है लास्ट वीडियो में मैंने पिचवई को मैंशन किया है कि ये एक बैक कर्टन होता था जो नाथ द्वारा पेंटिंग्स हैं उनमें काफ़ी हद तक ये पिचवई वाला काम है सो इट इज़ अ बैक कर्टन इट इज़ अ फ्रंट कर्टन बैक कर्टन है तो फ्रंट हो नहीं सकता इट वॉज़ यूज फॉर प्लेस एट द ब्लै बैक एंड इट वॉज अ लार्ज पेंटिंग यूज इन किशनगढ़ स्कूल ऑब्वियसली मिनिएचर से थोड़ी लंबी पेंटिंग थी जिनको हम पिचबई कहते हैं और ये प्लेस के बैक uh, कर्टन के लिए यूज़ किया जाता था तो ये तीनों टर्म्स सही हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक तो इट इज़ अ फ्रंट कर्टन ये आंसर इसका सही है कि ये नहीं है इसका नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज बेसिकली अ फ्यूजन ऑफ मुगल एंड रीजनल स्टाइल सो द करेक्ट आंसर इज ए किशनगढ़ स्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग रिजेंबल्स द चौरा का स्टाइल चौरा का स्टाइल के साथ किसका स्टाइल मतलब मिलता है करेक्ट आंसर इज मेवाड़ स्टाइल मतलब पेंटिंग बनाने के तरीके से विच ऑफ़ द फॉलोइंग राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक्सेल्ड इन द डिपिक्शन ऑफ बारामासा रामायणा एंड वोटिव इमेज ऑफ गॉड्स तो इन चारों में से किसमें ज़्यादा इस तरह की इमेज बनी हैं जो ये स्पेशली वोटिव इमेज ऑफ गॉड्स की मैं बात कर रही हूँ सो द करेक्ट आंसर इज जोधपुर डी चौगन प्लेयर इज अ हॉरिजोंटल पेंटिंग डिपिक्टेड प्लेइंग पोलो गेम येस इट्स ट्रू फोर किंग्स आर प्लेइंग पोलो इन दिस पेंटिंग नो किंग्स तो है ही नहीं प्रिंसेज आर प्लेइंग पोलो सो ओनली वन मतलब इन दोनों में से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है नाउ मैच द फॉलोइंग अब आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैच द फॉलोइंग की किसी को किसी के साथ मैच करें तो इस तरह से मारूरागिनी साहिब दिन भरतमीट रामा एड चित्रकूटा गुमन कृष्णा ऑन स्विंग नूरुदीन चौगन प्लेयर दाना इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है किंग एंड क्वीन विच पेंटिंग भरत में जैसे भरत मैक्सिमम नंबर ऑफ फिगर्स विच पेंटिंग सो इस तरह से कोई उसका फ़ीचर उठा के कोई कैरेक्टरिस्टिक उठा के भी मैच द फॉलोइंग किया जा सकता है सो so, आपने उसके लिए इन सब क्वेश्चन के लिए आपको ये टेबल बहुत अच्छे से करना है बड़े बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम टेबल किसको कहा जाता है तो टेबल जो है ना बेटा जो आपकी पेंटिंग्स में ये दिया गया है जिसमें हम सारी पेंटिंग्स के टाइटल हैं पेंटर्स के नाम हैं और सब स्कूल्स के नाम हैं तो इसको टेबल कहा जाता है तो आपने ये हर चारों चैप्टर के टेबल बहुत अच्छे से करने सो दैट so अगर आपको किसी भी पेंटिंग का पूछा जाता है तब भी आप बता दें किसी सब स्कूल का पूछा जाता है तब भी आप बता दें सो दिस इज़ ऑल अबाउट द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और फिर भी इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू